1914 में लोकसभा के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी नीत की सरकार बनी, मतलब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार बनी है, तब तक देश में लगातार कोई न कोई उपद्रव जात और धर्म के नाम पर, जिससे देश को नुकसान पहुंचे, ऐसे काम का अंजाम दिया जा रहा है। यह सरकार जब से बनी है केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, देश को बहुत आज भी लोगों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। कभी नोटबंदी के नाम पर, कभी जीएसटी के नाम पर, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई के नाम पर, और देश में जो महंगाई भरी है उससे देशवासी त्रस्त है। उतना ही नहीं, देश में रुपयों का अवमूल्यन हुआ है और लगातार डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जो देश के अन्य देशों में, विश्व के अन्य देशों में डीजल के दाम बहुत कम है। बगल नेपाल है, वहाँ के जनता को कम दाम में डीजल का पेट्रोल गैस खरीदना पड़ता है, लेकिन भारत में उसी पेट्रोल और डीजल का दाम आकाश छू रही है। यह देश की जनता जान रही है। और सिलेंडर गरीबों को कम दाम में देकर प्रलोभन दे रही है, उस पर वाहवाही लूट रहे हैं कैंसर का, लेकिन उनका सिलेंडर का दाम आकाश छू रही है। गरीब उनका सिलेंडर खरीदे हैं जरूर, लेकिन उसको उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें पैसे की कमी है। इसलिए जो विपक्षी दल महागठबंधन के ओर से राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, हमारे लोकतांत्रिक जनता दल, सबका महागठबंधन का जो 10 सितंबर को बिहार बंद है, उसमें हम अपने दल के सभी राज्य और जिला से लेकर राज्य तक के पदाधिकारी, अपने समर्थक, कार्यकर्ताओं से अनुरोध करते हैं, इस बंद में सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से बंद का समर्थन करते हुए पूरे देश में चक्का जाम करने के काम करेंगे, और जिससे या जो यह कुंभकर्ण रूपी सुई राज्य और केंद्र सरकार, उनके जगाने के काम करेंगे और उनको अंकुश लगाने के काम करेंगे कि हम देश के जनमानस में इस बात का काफी क्षोभ और विरोध है। इसलिए देशवासियों ने भारत बंद करके ऐलान किया और लोगों ने उनका समर्थन किया, तो पुनः अनुरोध करते हैं हम लोग सब मिलकर भारत बंद में अपना सहयोग और समर्थन हम देंगे, हम लोग को यह फैसला